जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज हम बात करेंगे SSC GD कांस्टेबल के रिटन एग्जाम कब तक होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को फॉर्म तो सबमिट हो चुके हैं। इसका जो अंतिम तिथि था आपका 31 अगस्त 2021 रहने वाले थे। आप सभी लोग वेट भी कर रहे थे इसका रिटन एग्जाम कब तक होने वाला है। तो SSC ने नोटिस जारी कर दिया आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा आप देख सकते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसको विजिट कर रखा हूँ और यहाँ पर आपको दो नोटिस देखने को मिलती है आज ही के दिन, यानी 7 सितंबर 2021 को दो नोटिस मिलता है। पहले बारे में रिजल्ट का जिक्र किया गया है, दूसरे बारे में एग्जामिनेशन की कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला। तो क्या करना है आपको, दूसरा जो लिंक है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो आपका इस तरीके से जो नोटिस है डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन होता है। थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से बता पाए। यहाँ पर देखने को मिलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड SSC। उसके बाद यहाँ पर दिखाई पड़ता है सीरियल नंबर, यानी इस लाइन में सीरियल नंबर है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा आपका एग्जाम होने वाला है। पेपर एंड स्टेज कौन सा है। उस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कब आप लोगों का रिटन एग्जाम का डेट रखा गया है। आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ 4 पॉइंट में दिया गया है कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF NIA SSF एंड आसाम राइफलमैन GD इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2021। जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन पेपर करवाए जाएंगे। एग्जाम की जो डेट रखी गई है आप सभी को 1 मंथ चलने वाली है, यानी कि 16/11/2021 से लेकर 15/12/2021, यानी 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक आप सभी लोगों के रिटन एग्जाम होंगे। अलग अलग पालियों में, अलग अलग सिटी में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। ये आप लोगों का डेट मेंशन हो गया कि यानी कि 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक आप लोगों का एग्जाम होने वाला। वहीं पर हम आप लोगों को बता दूं एक बात कि आप सभी लोगों को जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, सबसे पहले एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा, सबसे पहले आप लोगों का ये जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा 1 हफ्ते पहले कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है कौन से सिटी में गया है। यानी 7 दिन पहले अपना पता लगा सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है कौन से सिटी में होने वाला है। लेकिन पूरा विवरण जो आप लोगों का एडमिट कार्ड निकलेगा एग्ज़ाम के 4 दिन पहले, जैसे जिन जिनका 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ वो 12 तारीख को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिनका 17 तारीख को वो आपको 13 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक फिर से लिंक एक्टिवेट होगा, उससे पहले यानी 4 दिन पहले से, यानी 1 हफ्ते पहले आप पता लगा सकते हैं कि आपका किस सिटी में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका एग्जाम के 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें पूरा जिक्र किया जाएगा आपका जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर कौन सा है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, कहां पर गया है, स्कूल का नाम क्या है, सब कुछ वहां पर 4 दिन पहले पता लगा सकते हैं। यानी कि 1 हफ्ता पहले अपना आप पता लगा सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 4 दिन पहले। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आप सभी लोगों को जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा आपका 12 तारीख से, लेकिन 7 दिन पहले यानी कि 9 तारीख से आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका एग्जाम कौन से सिटी में होने वाला है। ये आप लोगों का था और बहुत दिनों से आप इंतजार भी कर रहे थे आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा। तो फाइनली SSC ने आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिंक दे दिया कि आप अपना देख चेक कर पाएं कि आप लोगों का रिटन एग्जाम कब तक होने वाला है। इसका जो लिंक है PDF का मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप इनके वेबसाइट पे आके डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए ताकि अच्छा नंबर आप ला सको। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।